हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ये सोच रहे हैं कि हमें कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ या एविएशन की कोई भी जॉब के लिए हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। सो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज इस वीडियो में हम दो चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट, जितनी भी एयरलाइंस हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, उनका हाइट, उनकी क्या हाइट क्राइटेरिया है कि अगर आप इंडिगो एयरलाइंस के साथ वर्क करना चाहते हैं एज अ कैबिन क्रू एंड आप चाहते हैं कि मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाऊं, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए मिनिमम, राइट? सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मुझे इन दिनों काफी सारे ऐसे कॉमेंट्स आए थे कि उन लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे फ्रैंकफिन जैसे कोई और इंस्टीट्यूट हैं तो उनमें एडमिशन लिया है एंड उनकी हाइट बहुत ज्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल 149 सेंटीमीटर है उनकी हाइट एंड उनको ये बोला गया है कि आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि अगर आपकी हाइट 149 सेंटीमीटर है तो आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड अगर आप 15 ईयर्स के हैं, अगर आप 18 ईयर्स के हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपकी हाइट नेचुरली बढ़ सके प्यूबर्टी की एज तक, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है बिकॉज कैबिन क्रू के लिए हम लोग 17 या 18 की एज से हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर उस टाइम पे भी आपकी हाइट 149 सेंटीमीटर है, आपकी हाइट अगर 152 सेंटीमीटर है, तो आप एयरलाइंस के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा कड़वा सच है जो एयरलाइंस आपको, जो इंस्टीट्यूट आपको कभी भी नहीं बताएंगे बिकॉज उनको अपने एडमिशन से मतलब है। बहुत सारे मुझे ऐसे भी कॉमेंट्स आते हैं कि हमें कोई भी इंस्टीट्यूट जैसे फ्रैंकफिन या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको एविएशन फील्ड की जॉब्स के लिए, कैबिन क्रू की जॉब्स के लिए, ग्राउंड स्टाफ की जॉब्स के लिए प्रेपरेशन करवाता है। सो जब भी वो वहां एडमिशन के लिए जाते हैं तो मुझे इतने सारे कॉमेंट्स आते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को ये लगता है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं सो वो एक एयरलाइन की तरह उसको लेते हैं कि आप उसमें जाएंगे, आपको वो बोलते हैं कि हम आपको 100% जॉब गारंटी देंगे। तो इसके वजह से सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि ये एक एयरलाइन की तरह है जहां पे आपको 12 मंथ्स की, 11 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है, देन आप कैबिन क्रू बन ही जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो आपको कैबिन क्रू के लिए प्रेपरेशन कराते हैं, ये आपको 100% जॉब गारंटी नहीं देते हैं, ये आपको 100% जॉब असिस्टेंस दिलवाते हैं, राइट? सो अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं एंड आपने डिसाइड किया है कि मुझे करना चाहिए, तो प्लीज आप ये दो तीन चीजों का ध्यान रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी हाइट। सो एविएशन इंडस्ट्री में जाने के लिए, चाहे आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, चाहे आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, आपकी हाइट है वो उस एयरलाइन के क्राइटेरिया में फिट होनी चाहिए। लेकिन आपके माइंड में अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो आपके, आपको जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे काफी दिनों से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी हाइट 149 सेंटीमीटर है। सो अभी फ्लाई बिग एयरलाइंस हायर कर रही हैं ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू के लिए, सो उनकी जो मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है वो है 155 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है या उससे ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी हाइट नहीं है इतनी तो आप नहीं कर सकते हैं। सो कैबिन क्रू बनने के लिए हम लोगों में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे हमारी हाइट। हाइट एक ऐसी चीज है जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हम हमारी ग्रूमिंग को चेंज कर सकते हैं, हम हमारी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमारे इंग्लिश को भी चेंज कर सकते हैं, राइट? सो अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, सो इंस्टीट्यूट आपकी इन सब चीजों पर वर्क करता है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ग्रूमिंग, आपकी इंग्लिश। लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर आपकी हाइट 140 सेंटीमीटर है तो इंस्टीट्यूट सिर्फ एक साल में 11 महीने में कुछ ऐसा कर दे कि आपकी हाइट 155 या फिर 163 मतलब इतनी हो जाए कि आपको एयरलाइन सेलेक्ट कर लें। सो मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं फ्लाई बी के साथ अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं इंडिगो के साथ अप्लाई करना चाहती हूँ, मेरी हाइट 149 सेंटीमीटर है तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। सो इस वीडियो का बनाने का मेरा पर्पस ये था कि अगर आप किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप 1.5 लाख फीस दीजिए, 1 लाख फीस दीजिए, 11 मंथ्स के लिए हम आपको ट्रेनिंग करवाते हैं, यहाँ मैं स्पेसिफिकली एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रही हूँ, फ्रैंकफिन या फ्रैंकफिन के जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हों, जब वो आपका एडमिशन लेते हैं तो वो आपको कभी भी ऐसे नहीं बताएंगे कि आपकी हाइट 149 सेंटीमीटर है, आप एयरलाइंस में अप्लाई कर ही नहीं सकते, बिकॉज जितनी भी एयरलाइंस हैं वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं अपनी हाइट क्राइटेरिया को लेकर। ग्रूमिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है
तो ट्रेनिंग के बाद में मीन सिलेक्शन के बाद एयरलाइंस भी आपको ग्रूमिंग की एंड सबकी ट्रेनिंग 3 मंथ्स के लिए करवाती हैं, बट हाइट में तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। सो ये वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो प्लीज आप एटलीस्ट 2-3 चीजें क्लियर करके जाएं कि आपकी हाइट है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है एयरलाइंस के लिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट वालों को अपने एडमिशन से मतलब है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, तो वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि आपकी हाइट इतनी कम है कि आप कैबिन क्रू बन ही नहीं सकते। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट जाते हैं, अगर आपको वो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, बहुत सारी चीज़ों की प्रेपरेशन करा रहे हैं एविएशन के साथ साथ, तो आप हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रैवल के फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, बट आप एविएशन फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड ये बात आपको कभी भी एयरलाइंस नहीं बताएंगी। मुझे कल ही एक कॉमेंट आया था जिसमें मेरे एक जो सब्सक्राइबर थे, उन्होंने फ्रैंकफिन में एडमिशन लिया था, उन्होंने फीस भी पे कर दी पूरी, एंड उनकी हाइट 149 सेंटीमीटर है। तो कल उनका मैसेज आया था कि क्या मैं फ्लाईबी के साथ अप्लाई कर सकती हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी 155 सेंटीमीटर एटलीस्ट हाइट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इंस्टीट्यूट वालों ने, फ्रैंकफिन वालों ने ऐसे कुछ बताया नहीं था, उन्होंने बोला आप एलिजिबल हो, आप कैबिन क्रू बन सकते हो। सो शी टोल्ड मी दैट फ्रैंकफिन लाइड टू मी अबाउट इट। सो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब किसी को 1 लाख या फिर 2 लाख अगर फीस दे रहे हैं तो आप प्लीज चेक कर लें कि आप में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिकॉज आपको इंस्टीट्यूट कभी भी ऐसा नहीं बताएगा कि आपकी हाइट कम है, आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते हैं। और अगर आप ऐसी एज में हैं जहां पे आप हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे अगर आप 15 ईयर्स के हैं, अगर आप अभी बिकॉज हम 10th स्टैंडर्ड में 15 ईयर्स के होते हैं, 12th में हम लोग होते हैं 17 या 18 ईयर्स के, सो हमारी हाइट 20 ईयर्स तक, 21 ईयर्स तक बढ़ सकती है, बट उसके बाद में हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होती है। सो अगर आप 12th में भी अगर आपकी हाइट 149 सेंटीमीटर है, तो आई डोंट थिंक कि एक साल में आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर तक हो जाएगी। सो ये सब चीजें आप खुद चेक करें कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले। सो यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस है उनकी क्या क्या मिनिमम हाइट क्राइटेरियाज हैं वो आपको मैं बता सकूँ। सो मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट डाउन कर रखा है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जेट एयरवेज की। सो जेट एयरवेज भी बहुत ज्यादा जल्दी हायर करने जा रही है। सो मेल के लिए इनकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 173 सेंटीमीटर एंड फीमेल्स के लिए होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। सो जितना भी मैं आपको यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया बता रही हूँ, खुद से नहीं बता रही हूँ मैं, जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं एयरलाइन की मैं उनसे ही आपको बता रही हूँ, राइट। एंड जो जितने भी विस्तारा, स्पाइस जेट एंड स्टार एयर, ट्रू जेट, गोएयर, जितनी भी एयरलाइंस हैं, इन सब के लिए हाइट का क्राइटेरिया है 155 सेंटीमीटर। एंड इंडिगो के लिए 157 भी बताते हैं कभी कभी, एंड एयर गोएयर के लिए यहाँ पे बता रखी है 160 सेंटीमीटर। सो अगर आप गोएयर के लिए कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी अगर आप एक लड़की हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए एटलीस्ट 167 सेंटीमीटर। एंड बॉयज के लिए क्राइटेरिया होता है किसी किसी एयरलाइंस में 170, किसी किसी में 172 एंड किसी किसी में 173। सो ये जो मैंने आपको यहाँ पे टेबल दे रखी है, सो ये आपकी हाइट होनी चाहिए एयरलाइंस में एयरलाइंस के साथ अप्लाई करने की। सो प्लीज अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जा रहे हैं, सो उससे पहले आप ये चेक कर लें कि आपकी जो हाइट है वो सही है या नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।